शोभा यात्रा जारी है। ये हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। एक नगर में भगवान को घुमाया जाता है, किसके लिए? कि नगर में मंगल बना रहे, सारे अमंगलों का हरण हो, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान श्री राम अमंगलों का हरण करने वाले हैं। भगवान के जो छोटे बाल स्वरूप हैं, बच्चों में ही भगवान का वास होता है, ये जो छोटे बाल स्वरूप हैं आज पूरी नगर की परिक्रमा करेंगे। ये हमारे लिए बच्चे होंगे, परंतु कहीं जो देखने वाले हैं उनकी नज़र में ये भगवान हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो तो उनसे पूछो ये क्या है, ये भगवान जा रहे हैं। उनकी आस्था है, ये हमारा आस्था है, ये हमारी विश्वास है, और हम इसी विश्वास पर टिके हैं। आज भगवान की शोभा यात्रा है, भगवान सभी को मंगलमय कर दें और भगवान सारे नगर में खुशहाली बनाए, यही हमारे भगवान से प्रार्थना रहेगी। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय माता दी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो हमारा प्रभु राम जी की जो बरात है, ये रामनाटक सभा से होते हुए शहीदी चौक जो होते हुए वार्ड नंबर 6 मंडी शेर सिंह में, वहाँ इनका भोजन का भी बंदोबस्त किया गया है। तो उसके बाद ये वापिस जो है रामनाटक सभा में आएंगे और यहाँ पे आज प्रभु श्री राम जी का विवाह होगा। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस दिन पावन नवरात्रों पर प्रभु श्री राम का जो कार्य हो रहा है, इसमें हमारे सभी भाई बंधु, जितने भी हमारे रामनाटक सभा के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, तो इनका बड़ा योगदान रहता है और हमारे कलाकारों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी की जो अपार कृपा है पूरे संसार और पूरे विश्व पर बनाए रखे। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि इज़राइल और गाजा का जो युद्ध चल रहा है, हम प्रभु श्री राम जी से यही कामना करते हैं, हनुमान जी से, कि उन पे भी अपार कृपा बनाए और वहाँ भी शांति हो। क्योंकि हमारे कई नौजवान ऐसे भाई हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई ऐसे है, ये जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इनकी जो शांति के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी इनका माध्यम बने और वहाँ पर शांति हो। तो हम यही कामना के साथ माँ भगवती से, प्रभु श्री राम से कामना करते हैं कि आप लोग जो हैं इन पर कृपा बनाए रखें, बच्चों पर, पूरे हमारे नगर बस्ती पर। और आपका भी, वीडियो बंधु का भी मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा अगर कोई भी छोटा मोटा कोई कार्य होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई हमारा धार्मिक होता है, तो आप लोग हमें कवर करते हो। आपके माध्यम से ही हमारे समाज के लोगों को तक ये जाता है कि ये हमारी रामनाथ सभा कैसे कार्य कर रही है, पटेल नगर वाली है, वो कैसे कार्य कर रहा है। हर बंदे का अपना अपना रोल होता है, तो हर बंदा अपना दायित्व निभा रहा है। हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हमारा ये कार्य जो है वो चलता रहेगा। जय श्री राम।